हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, जैसा कि आप सब में से एक बहुत ज़्यादा ब्लॉग के लिए रिक्वेस्ट दी थी, तो आज हम पहुंच रहे हैं नागौर के शहीद छत्रपुर महल में और यहाँ पे है भगत सिंह का भगत सागर महल और इन्हीं के नाम पे यहाँ पे एक भगत सागर भी बना हुआ है। थोड़ा सा आगे आइए, उस साइड के अंदर है शीश महल, जल महल, हमाम जिसको बाथरूम बोला जाता है और सबसे प्यारा और ब्यूटीफुल हमें इस तरफ दिखाई देगा लोकेशन जो कि अमर सिंह का खुद का महल जहाँ पे वो मीटिंग्स लिया करते थे। बहुत सुंदर जगह है, एक बार आओगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज मेड इन अ वेरी टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्ट वे, क्योंकि यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। पानी के बहुत सारे स्रोत हैं यहाँ पे, एक दिखाई दे रहा है, बहुत एक दिखाई दे रहा है। आगे चलते स्टे ट्यून्ड। आने वाले हैं दीपक महल को देखने के लिए, तो ये वाला है हमारा दीप महल। यहाँ पे बहुत सारे खड्डे बने हुए हैं जिसके अंदर से बहुत सारे दिए रखे जाते हैं, दिवाली में ये सीन देखने लायक होता है। और इसी के आगे चलते हुए है बाथरूम यानी कि हमाम, और उसी के जस्ट वहाँ पे जस्ट इन फ्रंट ऑफ द बाथरूम यहाँ पे बनाया हुआ है शीश महल जो कि स्पेशली गेस्ट के रहने के लिए बनाया गया था। और आइए आगे का टूर भी करते हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि भगत सागर यहाँ के लास्ट महाराजा थे और उनकी 16 रानियां थी। यहाँ पे गाइड ने हमें बताया है बट उन्हें कैमरे में आने के लिए मना किया गया, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। 16 रानियों के 16 अलग अलग महल जो है इस किले के उस साइड की तरफ बनाए गए हैं जिसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो ही जितने भी खम्भे हैं, ऐसा कहा जाता है कि इसको इस तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, तो आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको एक कतार में दिखाई देंगे। यहाँ पर जो है दिस इज मेजर वाटर स्टोरेज टैंक जहाँ पे साल भर का पानी इकट्ठा किया जाता था, और यही है हमारा जल महल जिसके अंदर ये खंबा नुमा आकृति जो मैंने आपको कहा था वो बनाई गई है। सामने बहुत सुंदर दृश्य देखने को बनता है। मॉडर्न कल्चर का भी एक झलक दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही पुराने जमाने का है। तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का सेंस भी वी कैन फील इनटू द वॉल पेंटिंग्स एंड द डिज़ाइन ऑफ दिस न्यू।